नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। RAS एग्जाम 2021 इंटरव्यू का तीसरा चरण कल से। कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लाने होंगे, 6 सितंबर तक होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं 2021 की मुख्य परीक्षा में सफल हो रहे हैं। कैंडिडेट्स के इंटरव्यू का तृतीय चरण 21 अगस्त से 6 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि तृतीय चरण में 352 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू निर्धारित कार्यक्रमानुसार होंगे। इंटरव्यू के समय कैंडिडेट्स को अपने समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फोटो प्रति साथ लाने होंगे, अन्यथा इंटरव्यू से वंचित कर दिए जाएंगे। ये कैंडिडेट्स जिन्होंने विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनको विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर इंटरव्यू के समय 2 प्रतियों में मैं समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। गौरतलब है कि इंटरव्यू का द्वितीय चरण 7 अगस्त से शुरू हुआ है, 18 अगस्त 2023 तक आयोजित किया। द्वितीय चरण में 2024 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए। आयोग ने राज्य सेवा के 363 तथा अधीनस्थ सेवाओं के 325 पदों के लिए भर्ती निकाली है। 28 जुलाई से 27 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। प्रारंभिक परीक्षा समस्त जिला मुख्यालय एवं उपखंड स्तर पर 27 अक्टूबर 2021 हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। मुख्य परीक्षा का आयोजन 113 केंद्रों पर किया। करीब 20,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे। मुख्य परीक्षा 20 व 21 मार्च 2022 को प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय पर हुई थी। करीब 20,000 से 18,000 शामिल हुए थे। औसत 88% उपस्थिति रही। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 30 अगस्त 2022 को जारी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगली खबर, आज का करंट अफेयर्स। RBI ने UDGM वेब पोर्टल लॉन्च किया। यूथ 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बैंकों में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने में मदद के लिए UDGM नामक एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल शुरू किया है। UDGM का मतलब अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है। पोर्टल को रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यूजर फिलहाल इस पोर्टल पर उपलब्ध 7 बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें SBI, PNB, सेंट्रल बैंक, DBS बैंक, साउथ इंडियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और सिटी बैंक शामिल हैं। DRDO के पूर्व महानिदेशक VS अरुणाचलम का अमेरिका में निधन हो गया है। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इंडोसेंट बैंक ने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में एक मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारत सरकार ने इंटरैक्टिव मैप का उपयोग करके रियल टाइम में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए एल्डवॉच नामक एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया है। अगली खबर ये आ रही है कि CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 का नया शेड्यूल जारी किया गया है। 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक एग्जाम, बाकी परीक्षाएं पुराने शेड्यूल पर आयोजित की जाएगी। ISI CA दिसंबर परीक्षा 2023 के फाउंडेशन कोर्स की तारीखों को बदल दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने CA परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। ICICI के CA फाउंडेशन दिसंबर परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2, 4 और 6 जनवरी 2024 को किया जाएगा। वहीं पुराने शेड्यूल के अनुसार पहले ये एग्जाम 24, 26, 28 और 30 दिसंबर 2023 को आयोजित होनी थी। बाकी परीक्षाएं पुराने शेड्यूल पर ही की जाएगी। सिर्फ ICICI परीक्षा का शेड्यूल बदला गया है, बाकी परीक्षाएं पुराने शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएगी। इस प्रकार इंटरमीडिएट, फाइनल और PQC एग्जामिनेशन की तारीखों को नहीं बदला गया है। ये 1 नवंबर से 17 नवंबर 2023 के बीच ही होगी। ग्रुप A और 2 एग्जाम नवंबर में,
ग्रुप एक एग्जामिनेशन की सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 2, 4, 6 और 8 नवंबर 2023 को होगा। वहीं ग्रुप दो परीक्षाएं 10, 13, 15 और 17 नवंबर 2023 को होगी। सीए फाइनल परीक्षा के लिए ग्रुप एक एग्जाम 1, 3, 5 और 7 नवंबर 2023 को होगी। ग्रुप दो के लिए परीक्षा का आयोजन 9, 11, 14 और 16 नवंबर 2023 को किया जाएगा। ऐसे चेक करें रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाएं। होम पेज पर नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएं। ICAI एग्जामिनेशन नवंबर एंड दिसंबर एग्जाम 2023 के लिंक पर क्लिक करें। अगले पेज पर नया शेड्यूल PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा। शेड्यूल सेव करके आप रख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें तथा इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया ऐप पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।